दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राम झूला। राम झूला उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश शहर में स्थित है। राम झूला ऋषिकेश का एक प्रमुख स्थान है, जो कि माता गंगा नदी पर बना एक पुल है। यहाँ से माता गंगा के तेज प्रवाह को देखा जा सकता है। लक्ष्मण झूला से राम झूला लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लक्ष्मण झूला से राम झूला जाते समय ऋषिकेश के एक प्रमुख बाजार से होकर गुजरना पड़ता है, जहां आप बाजार में कपड़े, मूर्तियां, वाद्य यंत्र, किताबें, पेंटिंग्स आदि खरीद सकते हैं। राम झूला लक्ष्मण झूला से कुछ बड़ा है। रात में यह रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। इस पुल से लोगों के आवागमन के साथ साथ वाहनों का आवागमन भी किया जा सकता है। राम झूला स्वर्ग आश्रम के पास स्थित है, जहां कई मशहूर खाने के होटल हैं, जहां आप नाश्ता या खाना खा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा पैदल चलने पर ही हमें राम झूला दिखाई पड़ता है। राम झूला के दोनों ओर कुछ प्रमुख मंदिर भी दर्शनीय हैं। ये है राम झूला, जो कि दो ऊंचे ऊंचे अति विशाल लोहे के पिलर्स पर टिका है। इस पुल के दोनों ओर लोहे की ऊंची ऊंची जालियां लगी हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति नीचे नदी में गिर ना जाए। इस पुल से माता गंगा का तेज प्रवाह, दूर ऊंचे ऊंचे पर्वत व हरे भरे जंगल दिखाई पड़ते हैं। इस पुल से प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद आप उठा सकते हैं। राम झूला लक्ष्मण झूला से कुछ बड़ा है। रात में यह रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। इस पुल से लोगों के आगमन के साथ साथ वाहन का आगमन भी किया जा सकता है। इस पुल से लोगों की आवाजाही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पुल कितना भार उठा सकता है। इस पुल पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। इस पुल पर बंदर भी खाने की चीजें छीनने के लिए तैनात रहते हैं। कई बंदर भी इस पुल पर देखे जा सकते हैं, तो आपको इन बंदरों से सतर्क रहना होगा जब आप इस पुल पर होते हैं। इस पुल के दोनों ओर प्रसिद्ध आश्रम व मंदिर बने हुए हैं। यह राम पुल शिवानंद आश्रम को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। इस पुल के पास ही परामर्थ निकेतन व गीता भवन भी स्थित हैं। इस पुल से रोज हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। गौमुख से निकलने के बाद माता गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जिस कारण माता गंगा का प्रवाह यहाँ हमेशा तेज होता है। कभी कभी बरसात के समय माता गंगा के जल स्तर में काफी बढ़ाव देखा जा सकता है, परंतु राम पुल माता गंगा के निचले स्तर से लगभग 500 से 600 मीटर ऊंचाई पर बना है। पहले के समय में माता गंगा में आई बाढ़ के कारण पुल में क्षति हो जाया करती थी, परंतु राम सेतु की ऊंचाई अधिक होने के कारण यह पुल बाढ़ क्षति मुक्त रहता है। ऋषिकेश में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि हरिद्वार और देहरादून से सीधे संपर्क में है। ऋषिकेश हरिद्वार व देहरादून से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, और दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 262 किलोमीटर की है। इस तरह आप ऋषिकेश ट्रेन, बस या टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में घूमने के कई स्थान हैं, जिनमें से प्रमुख है त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। इनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ यहां आप घूम सकते हैं। आप जब भी ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग खेल का भी आनंद ले सकते हैं।
इस तरह ऋषिकेश दार्शनिक स्थान के अलावा खेल मनोरंजन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी हमने हरिद्वार के कुछ प्रमुख स्थानों के वीडियो बनाए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।